नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक, पुरातात्विक व प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों में समृद्ध धार जिला देश प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। धार भोजशाला, राजभोज से जुड़े स्थान, आनंद की नगरी, मांडू और बाघ की गुफाओं के साथ ही डायनासोर काल के जीवाश्म मिलने की वजह से तो यह चर्चित में बना रहता है। राजनीतिक रूप से भी धार की ख्याति कम नहीं है। धार जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वकुशा भाव ठाकरे की जन्म व शिक्षा स्थलीय रहा है। चौथी लोकसभा गठन के लिए वर्ष 1967 में हुए चुनाव में धार सीट को ST वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया था और इसमें बड़वानी विधानसभा सीट, जो खरगोन जिले का हिस्सा थी, उसको भी शामिल किया गया था। जब से लेकर वर्ष 2019 तक हुए 14 लोकसभा चुनावों में यहाँ से 8 बार भाजपा व 6 बार कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए हैं। वर्ष 1967 में धार के मतदाताओं ने भारतीय जनसंघ के भारत सिंह को कांग्रेस नेता जमुना देवी के विरुद्ध जीत दिलवाकर अपना झुकाव स्पष्ट कर दिया था। आदिवासी मतदाता बहुल इस क्षेत्र में उस दौर में कांग्रेस की जड़ें गहरी थी, लेकिन इस करारी हार की चर्चा तब प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई थी। वहीं जमुना देवी वर्ष 1962 से 1967 तक रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र की सांसद रह चुकी थी। धार सीट से चुनाव हारने के बाद जमुना देवी ने कुक्षी विधानसभा सीट से प्रदेश की राजनीति में कदम रखा। वे प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री तक बन गए। भौगोलिक रूप से धार संसदीय क्षेत्र 2 हिस्सों में बट गया। वही आधा मालवा घाट के ऊपर पठारी क्षेत्र में आता है, जबकि आधा हिस्सा घाट के नीचे का निर्माण अंचल में आता है। यहाँ की राजनीति में घाट के नीचे वालों का ही वर्चस्व रहा है। वहीं 14 चुनावों में मात्र एक बार वर्ष 2019 में कांग्रेस ने ऊपरी क्षेत्र के बदनावर से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में दिनेश गिरवाल को मैदान में उतारा था, लेकिन वे सर्वाधिक मतों से चुनाव हार गए थे। लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन प्रत्याशी चयन में सर्वाधिक 9 बार मानावर विधानसभा क्षेत्र का दबदबा बना रहा है। वही आपको बता दें, धार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवारों के साथ 3 का अनूठा संयोग है। 3 उम्मीदवार 3-3 बार चुनाव जीते हैं। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी के भारत सिंह और भाजपा के छतर सिंह दरबार में सांसद रहे हैं और कांग्रेस की ओर से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी वर्ष 1958, 1999 व 2009 में सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2009 में परिसीमन के बाद इस लोकसभा सीट में कुछ बदलाव हुआ। वहीं बड़वानी अलग जिला बनने से यह क्षेत्र खरगोन लोकसभा सीट से जुड़ गया, जबकि धार सीट में इंदौर लोकसभा सीट के डॉक्टर अंबेडकर नगर महाविद्यालय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र का जोड़ दिया गया था। यहां से अब तक एकमात्र महिला सांसद भाजपा की सावित्री ठाकुर रही और वर्ष 2014 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उमंग सिंघार को परास्त किया। अब तक इस क्षेत्र के केवल विक्रम वर्मा को ही राज्यसभा सदस्य बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। आपको बता दें, धार काफी ज्यादा प्रख्यात है, जहां पर ऐतिहासिक और अलग अलग तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं। वहीं अब ये धीरे धीरे अपनी प्रख्याति बढ़ाता जा रहा है।